Everybody, myself Sunil Chaturvedi, senior lecturer in government women's polytechnic college Kota. Aaj hum pme vishay par jo is tarah ke sahayak organizations hote hain jo hamare chote chote udyamiyon ke liye sahayak hote hain usme hum sabse jo important hai वो है डायरेक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला उद्योग केंद्र। ये ऐसे सहयोगात्मक या कहें असिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फ्रॉम स्टेट लेवल के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हम जो स्टूडेंट यहाँ पर एंटरप्रेन्योर के लिए तैयार करते हैं। पिछले 3 साल से जब डिप्लोमा आपको यहाँ पास आउट करने के पश्चात जब हम इस लेवल पर बना देते हैं कि आप अपना एक निजी उद्योग स्टार्ट कर सकें, और निजी उद्योग जब स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इस संदर्भ में सहयोग करती है वो कहलाती है जिला उद्योग केंद्र। जिला उद्योग केंद्र जो है उसका सबसे बड़ा जो मूल उद्देश्य ये है कि इसका तात्पर्य जो आपके जिले के अंदर जो स्थापित जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जितने भी औद्योगिक केंद्र हैं, उन सबको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टेमेटिक ढंग से उसे लॉन्च करना। लघु उद्योग जो होते हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू में और औद्योगिक इकाइयों से रिलेटेड होते हैं, और इन सब में जो भी प्रॉब्लम आती है इसको स्टार्ट करने के लिए या कहें कि इसको रन कराने के लिए जितने भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो, चाहे टेक्नीशियन से संबंधित हो, नई नई तकनीकी जानकारी की संबंधित हो, या कहें कि एक आर्थिक की दृष्टि से भी हम देखें वित्त की जहां प्रॉब्लम आती है, तो हम सीधे सीधे हम संपर्क करेंगे जिला उद्योग केंद्र से। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिला उद्योग केंद्र एक ऐसा केंद्र है जो कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए उसके शुरू करने से पहले या कहेंगे विनियोजन से पूर्व या विनियोजन के समय या विनियोजन के पश्चात, अर्थात तीनों पार्ट में इसकी हमें जिला उद्योग केंद्र की आवश्यकता होती है। और जिला उद्योग केंद्र एक ऐसा केंद्र है हर उद्यमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा पहलू है जहाँ कोई भी हम नया उद्योग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें जिला उद्योग केंद्र से ही अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके जो जिला उद्योग केंद्र के जो मूलभूत जो उद्देश्य है वो सीधे सीधे ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कहें कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में जो वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, चाहे बाजारों स्तर पर, उनकी पूर्ति यदि उसी उद्योगों से हो जाए तो ये सबसे बड़ा इनका उद्देश्य रहता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति है जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग खोल करके वहाँ के लोगों को उनके माध्यम से लाभान्वित हो जाए। जिला उद्योग केंद्र का जो निदेशालय है वो किसी भी जिला स्तर के राजधानी में होता है, जैसे हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र का निदेशालय जयपुर में स्थित है और इसकी अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई है, जैसे जितने भी जिला हेडक्वार्टर्स है उस जिला हेडक्वार्टर्स में इनकी का, जैसे हम कोटा के रहने वाले हैं तो हमारे कोटा में इसका अपना एक जिला उद्योग केंद्र बना हुआ है। हम यदि हमें कोई भी बिजनेस अगर बनाना है तो हम जिला उद्योग केंद्र जाएंगे और वहाँ जा करके अपनी प्रोफाइल देंगे, वहाँ से होने वाले फायदे का हम लाभ कमाएंगे, चाहे वो जगह लेनी हो, चाहे हमें ऋण लेना हो, चाहे नए इक्विपमेंट लेने हो, नई तकनीकी जानकारी करनी हो, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिला उद्योग केंद्र एक विकास का केंद्र है, ठीक है। हमारे देश में जितने भी स्टेट के अंदर या देश के अंदर जहाँ जहाँ राज्य उसकी राजधानी में इसका केंद्र होता है, यदि हम राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर्स का जयपुर होता है, जितने भी स्टेट होते हैं सब में इनके अलग अलग केंद्र की स्थापना होती है। मुख्यतः जिला उद्योग केंद्र का जो पर्टिकुलर जो यूज है वो है औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना,
और जिला उद्योग केंद्र सिर्फ दो तीन ही काम करता है, एक तो सर्जनात्मक करता है, दूसरा सहायात्मक काम करता है, विकासमत काम करता है और प्रशासनिक कार्य। ये चारों तरह के कार्य जो है जिला उद्योग केंद्र करते हैं और ये चारों जो है चाहे सृजनात्मक हो, चाहे सहायतात्मक हो, चाहे विकासात्मक हो, चाहे प्रशासनिक हो, ये सारे काम जो है जिला उद्योग केंद्र की धुरी पे काम करते हैं। और इसके काम करने के पश्चात एक एम्प्लॉयर या कहे कि एक एंटरप्रेन्योर अपने जो भी इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है वो आगे बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।